हेलो फलास, वेलकम टू अ डायरेक्शन। आज हम सभी स्नैपशॉट लेना सीखेंगे जो आपके गारमेंट के लिए एक स्क्रीनशॉट की तरह काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। शॉट लेने से पहले मैंने अपने गारमेंट में स्टाइल लाइन ऐड करी हुई है। अगर आपको नहीं पता कि स्टाइल लाइन कैसे ऐड की जाती है तो आप हमारी ऊपर लिंक में दी गई वीडियो देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। स्नैपशॉट का ऑप्शन यूज करने के लिए ऊपर की तरफ फाइल में जाए और फिर वहां से स्नैपशॉट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। आप यहां से 2D या 3D कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका भी आपको स्नैपशॉट चाहिए हो। मैं फिलहाल 3D सिलेक्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इस गारमेंट का स्नैपशॉट चाहिए। तो वैसे तो स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट जैसा ही है, पर यहाँ आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो नॉर्मली आपको नहीं मिलते हैं। मतलब यहाँ आप एक से ज़्यादा स्क्रीनशॉट एक टाइम में ले सकते हैं। तो अगर आप सिंगल शॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से सिंगल सिलेक्ट कीजिए, और अगर मल्टीपल शॉट चाहिए तो ऊपर से मल्टीपल। बाकी के जो हमें फीचर्स मिल जाते हैं वो बिल्कुल सेम हैं, बस हमें कितने शॉट्स मिलेंगे वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने गारमेंट का व्यू डिसाइड कर सकते हैं जो जैसा चाहिए। अगर यहाँ से कोई प्रीसेट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारी ओरिएंटेशन। तो हमारा इमेज व्यू वर्टिकल होना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मुझे वर्टिकल ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसे वर्टिकल पे ही छोड़ रही हूँ। फिर नेक्स्ट आता है पिक्सल्स। ये हमारी इमेज क्वालिटी को डिसाइड करती है, तो इसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज होगी। पर ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा भी ना हो जाए कि ये रेंडरिंग जितना टाइम ले ले। फिर है व्यू काउंट। यहाँ आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 इमेजेस एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी 4 सिलेक्टेड है तो मैं ज़्यादा इमेजेस एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसे 4 पे ही छोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट है लेआउट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो कॉमन है, तो हम बॉक्स देखते हैं। इसमें 2 इमेजेस ऊपर और 2 इमेजेस नीचे की तरफ सेट की गई हैं, तो आप इस तरीके से चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। हम इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं बॉक्स पे। यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शंस और हैं जिसमें से पहला है ट्रांसपेरेंसी, जो ऑलरेडी टिक है। इससे हमारा बैकग्राउंड हमें नहीं मिलेगा और केवल हमें एक गारमेंट मिल जाएगा जो हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव सेपरेट इमेजेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इमेज सेपरेट सेव हो तो आप ये वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। और अगर आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे तो आपको केवल ये एक छोटा सा कोलाज मिलेगा जो आपने सेट किया है। यहाँ नीचे लास्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑल कलरवेज। तो अगर आपने अपने गारमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कलरवेज बनाए हैं, अलग अलग स्टाइल्स क्रिएट करे हैं और उनकी इमेजेस आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके। पर हमारे ऐसे कोई भी ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो हम इसको टिक नहीं कर रहे। तो ये है हमारा रिजल्ट। 4 इमेजेस हमें सेपरेट मिली हैं और 1 हमें कोलाज मिला है इन 4 इमेज को मिला के। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 इमेजेस हो गई हैं, क्योंकि हमने सेपरेट इमेजेस वाले ऑप्शन को भी टिक किया हुआ था। तो अगर आपको स्नैपशॉट लेना आसान और मजेदार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको हमारी हर नई अपडेट से रिलेटेड जानकारी मिल सके। तब तक के लिए सीखते रहें और कुछ नया बनाते रहें। बाय।